दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई को नोटिस मिलने के बाद आप नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और केंद्र पर हमला बोला है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर तीन बड़े आरोप लगाए हैं। जानते हैं अंदर की बात में। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और केंद्र पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। एक नजर डालते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीन बड़ी बातों पर। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं कह रहा हूं कि 17 सितंबर की शाम 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। क्या इस आधार पर पीएम मोदी को गिरफ्तार किया जाएगा? आखिर कोई सबूत तो देना होगा या ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि आरोप है कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई और ली गई। मनीष सिसोदिया का पूरा घर छान मार डाला, लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला। रिश्वत ली तो पैसा गया कहाँ? भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह टारगेट नहीं किया गया जितनी बुरी तरह आम आदमी पार्टी को किया गया। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे? 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। पहला सवाल ये है अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। बीजेपी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा 75 सालों में पहली बार हुआ कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल गए और वे दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब सरकारी बंगलो खाली कर दिया है। वहीं घर से बेघर हो गए राहुल गांधी और अब माता सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित बंगले में आ गए हैं। क्या कहना है कांग्रेस के सूत्रों का? क्या राहुल नया घर खरीदेंगे? बाद में कहां रहने जाएंगे राहुल गांधी? देखते हैं अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है और अब सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित बंगले में आ गए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था है। राहुल गांधी बहुत जल्द नए घर में जाने वाले हैं। सबसे अधिक संभावना है कि उनके रहने की व्यवस्था गुरुग्राम में की जाएगी। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही पैकिंग शुरू कर दी थी। शुक्रवार को ट्रक में सामान लाद कर वह घर से निकला था। राहुल के पास अपनी सजा पर कोर्ट के फैसले तक रुकने का विकल्प था, लेकिन राहुल पहले ही घर खाली कर चुके हैं। राहुल गांधी को 23 मार्च को उनके सांसद पद से हटा दिया गया था, जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें मोदी उपनाम वाले लोगों के बारे में टिप्पणी करने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लोकसभा की हाउस कमेटी ने 27 मार्च को फिर से राहुल गांधी को 1 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वरुणा और कोलार दोनों सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोलार सीट नहीं मिली है। क्या है मामला? देखते हैं अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक अथानी सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को टिकट दिया गया, जबकि कोथुर जी मंजुनाथ को कोलार सीट दी गई। खास बात ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वरुणा और कोलार दोनों सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोलार सीट से टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह कोथुर जी मंजुनाथ को कोलार सीट से टिकट दी गई है। वहीं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा था। वह बीजेपी में टिकट कटने से नाराज थे।
जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद ही उन्हें 98 सीट से टिकट दे दिया गया है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली के लोगों को बिजली की सब्सिडी मिलती रहेगी। शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले फाइल की मंजूरी को लेकर दिल्ली के सरकार में मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच भारी रस्साकसी के बाद दिल्ली की जनता को बिजली सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में 46 लाख से अधिक परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी, क्योंकि सक्सेना ने बिजली सब्सिडी फाइल को मंजूरी दे दी है। फाइल को मंजूरी मिलने से पहले आतिशी ने कहा था कि आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी देने का बजट विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले की फाइल उपराज्यपाल ने रोक रखी है। इस पर उपराज्यपाल के दफ्तर की ओर से कहा गया कि आतिशी गलत बयान देकर लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने कहा कि सरकार ने बीते 6 सालों में निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराया है। मैं इस बिजली सब्सिडी के फैसले के समर्थन में हूं, लेकिन बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी दी गई है उसका ऑडिट होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने हाल ही में अपनी कंपनी द्वारा 27,000 कर्मचारियों की छटनी के फैसले पर अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने नई हायरिंग पर भी अपनी भविष्य के प्लान के बारे में बताया है। क्या है अमेजन के सीईओ का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विश्व की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने हाल ही में अपने 27,000 कर्मचारियों की छटनी की है। अब इस फैसले पर अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 27,000 कर्मचारियों की छटनी का फैसला बहुत कठिन रहा है, मगर यह जरूरी था। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इस फैसले से कंपनी को फायदा मिलेगा। यह सभी बातें मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने शेयरधारकों को लिखे पत्र में कही है। इसके साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में इस फैसले से कंपनी को जरूर फायदा होगा। सीईओ एंडी जेसी ने यह भी कहा कि बदलते वक्त के साथ ही कंपनी ने अपनी प्राथमिकताओं को भी बदला है। इसके लिए अमेजोन ने अपने संसाधनों पर होने वाले खर्च में बदलाव करने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी कंपनी अपनी सभी टीमों के काम का मूल्यांकन करती रहेगी और जिससे यह पता चले कि कंपनी कहां जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो कॉरपोरेट जगत में अक्सर कर्मचारी छुट्टी को लेकर परेशान रहते हैं। हालांकि चीन के एक भाग्यशाली कर्मचारी की इस मामले में लॉटरी लग गई है। कर्मचारी ने कंपनी की ओर से कराए गए लकी ड्रॉ में एक साल का पेड लीव जीता है, यानी कर्मचारी पूरे एक साल तक छुट्टी पर रहेगा और उसे इस दौरान कंपनी की ओर से उसकी पूरी सैलरी भी मिलेगी। चीन की एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की किस्मत रातों रात बदल गई। उसे एक साल की छुट्टी मिली, वो भी सैलरी के साथ, यानी कि पेड लीव। दरअसल चीन के शेंजेन ग्वांगडोंग क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मचारी ने अपनी फर्म के एक एनुअल डिनर में लकी ड्रॉ जीता। जब उसे लकी ड्रॉ के इनाम के बारे में मालूम हुआ तो शुरू में उसे यकीन ही नहीं हुआ। शख्स को इसी लकी ड्रॉ में कुल 1,00,000 की पेड लीव मिल गई थी। सामने आए शख्स की तस्वीर में उसने एक बड़ा सा चेक पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा है 365 डेज ऑफ पेड लीव। इस शख्स की तस्वीर जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो लोग हैरान ही रह गए। हालांकि इस व्यक्ति का नाम अभी सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के अनुसार लकी ड्रॉ प्राइज पॉट में पुरस्कार और पेनल्टी दोनों शामिल थे। पुरस्कार के उलट अगर शख्स के हिस्से में पेनल्टी आती तो उसे घर का बना खास ड्रिंक पीना होता और इवेंट में वेटर का काम करना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सूडान में अर्धसैनिक बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। विवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी देरी हो रही है। कैसे है हालात, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सूडान की राजधानी खातुर्म में शनिवार को भीषण गोलाबारी और विस्फोट हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच झड़प हुई। सेना मुख्यालय और केंद्रीय खातुर्म में रक्षा मंत्रालय के हुई इस घटना में लोगों ने गोलियों की आवाज भी सुनी। सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है।
इस विवाद की वजह सूडान की सेना का ये मानना है कि अर्धसैनिक बल के तहत आने वाले रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उधर रैपिड सपोर्ट फोर्स खुद को सेना का दर्जा देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते तनाव के बीच शहर के विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि सूडान में अर्धसैनिक बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। विवाद के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो जापान के प्रधानमंत्री सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के साथ स्पीच देने वाले थे। इसी दौरान सभा स्थल पर एक जोरदार धमाका हुआ। किसने किया हमले का प्लान, क्यों टारगेट पर थे जापान के पीएम, देखते हैं अंदर की बात। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सभा में शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट वाकायामा शहर में पीएम किशिदा का भाषण शुरू होने से ठीक पहले हुआ। इस दौरान एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई। जानकारी के मुताबिक जापान के पीएम फुमियो किशिदा पर स्मोक बम से हमला किया गया था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि बम धमाका बहुत ही जोर का हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने हमले की बात कबूल कर ली। हमलावर इस बात से परेशान था कि उसकी मां एक धार्मिक समूह को दान देने के बाद दिवालिया हो गई थी, जिससे शिंजो आबे का संबंध था। इसी बात से तंग आकर उसने प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान बनाया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी बीते साल 8 जुलाई 2022 को ऐसा ही एक हमला किया गया था, जिनमें उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एलन मस्क अक्सर खबरों में बने ही रहते हैं और अब खबर सामने आई कि अरबपति एआई की तरफ रुख कर रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला अंदर की बात में। एलन मस्क न जाने क्या करना चाहते हैं, वे अक्सर खबरों में बने रहते हैं। हाईलाइट होने के पीछे की वजह कभी उनके कंट्रोवर्सी वाले ट्वीट होते हैं तो कभी ट्विटर को लेकर जारी किए गए नए अजीब अपडेट। हाँ, एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं, लेकिन अब एक और कंपनी के डायरेक्टर बनने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने अमेरिकी राज्य निवादा में स्थित एक X.AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन का गठन किया है। एक स्टेट बिजनेस फाइलिंग ने संकेत दिया है कि मस्क को 9 मार्च को स्थापित की गई X.AI कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के रूप में लिस्ट किया गया था। मस्क ने हाल ही में ट्विटर को एक नई बनाई गई एक्स शेल कंपनी के साथ मर्ज कर दिया है। X.AI कॉरपोरेशन कंपनी चैट GPT निर्माता ओपन AI के प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आ रही है। एक इनसाइडर रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने हजारों पावरफुल महंगे कंप्यूटिंग प्रोसेसर को खरीदे हैं और ट्विटर पर AI प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इंजीनियरिंग टैलेंट को हायर किया है। हालांकि यह स्पष्ट कर दे कि मस्क ने अभी तक खुद से किसी बात की पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।